गम ने हंसने ना दिया, जमाने ने रोने ना दिया। गम ने हंसने ना दिया, जमाने ने रोने ना दिया। इस उलझन ने चैन से जीने ना दिया। थक के जब सितारों से पनाह ली, नींद आई तो तेरी याद ने सोने ना दिया। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी को प्रतिभा फाउंडेशन की ओर से हार्दिक स्वागत है। मैं आलोक कुमार, आज मैं बिहार सिविल कोर्ट के लिए नेक्स्ट मॉक टेस्ट का सोल्यूशन करने जा रहा हूँ। तो आज का क्लास शुरू करने से पहले मैं कुछ कहना चाहूँगा। जिंदगी भी कैसे मोड़ पर लाकर छोड़ गई, जिंदगी भी कैसे मोड़ पर लाकर छोड़ गई, जहाँ मौत भी होने के बाद चिता पर नहीं लेते हैं। तो इसी के साथ आज क्लास शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और मैं चाहूँगा कि सबसे पहले जो है आप आंसर दीजिए। आप क्या कीजिए, एक पेज रखिए अपने पास, पेन रखिए और जो है फर्स्ट क्वेश्चन वन है तो उसका आंसर क्या होगा आप अपने पेज में लिखिए। इस तरह 30 क्वेश्चन है तो आप जो है 1 से 30 में प्रत्येक में आप अपना आंसर देंगे। जब लास्ट में हो जाएगा तो आप लास्ट में खुद से मिलाएंगे कि आपका कितना सही हुआ कितना गलती हुआ, और एक कमेंट में जो बताएंगे, ठीक है। तो इससे दो काम होगा, एक आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, सेकेंड आपका पास चल जाएगा कि इस क्वेश्चन में ये जो मॉक टेस्ट है इससे मेरा कितना मार्क्स आया, और खुद पता चला कि मैं कितना पानी में हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर दीजिए क्या होगा। क्या होगा आंसर, तो लिख लिए होंगे। देखिए क्या करा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड, देखिए इसको आप कीजिए नेगलेक्ट, कहा गया इसको आप कीजिए नेगलेक्ट, है ना। ये कुछ नहीं है, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है ये नहीं है। आपका क्वेश्चन यहां से है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड फ्यूरोर, फ्यूरोर का मीनिंग क्या होगा। तो आंसर देने के लिए पहले इसका मीनिंग पता होना चाहिए, तभी आप दे सकते हैं। अंदाजी गोल लगाइएगा, तो यदि आप सस्ती तैयारी कर रहे हैं, यदि मन में पूरी इच्छा है कि मुझे लेना है तो लेना है, तो फिर वह उचित नहीं है। हाँ, जो जिसका जो सस्ती नहीं है वह ऐसे ही जाते एग्जाम देने, तो उसका बात कराइए। तो फ्यूरर इसका क्या मीनिंग होता है, हल चलाना, इसका मीनिंग होता है हल चलाना, ठीक है। फ्यूरर मीन्स क्या, फ्यूरो मीन्स क्या, हाल चलाना, हाल चलाना। तो मीनिंग देखिए, नैरो ट्रेंच मीन्स क्या, देखो नैरो मीन्स क्या, पतला, नैरो मीन्स क्या, पतला, और ट्रेंच मीन्स क्या, खाई, ट्रेंच मीन्स क्या, खाई। यहाँ बोल सकते हैं, है ना, पतला या पतली, खाई बोल सकते हैं, या आप बोल सकते हैं गहरी, पतली खाई ही बोलिए, यही समझिए। और जब जर्मिनेट मीन्स क्या, कोई चीज उगना, अंकुर ना, जर्मिनेट इसका देखिए, यदि हम लिखते हैं जर्मिनेट, जर्मिनेट इसका मीनिंग क्या, अंकुरण, इसका मीनिंग क्या होगा, अंकुरण होगा, ठीक है। अरे कोई चीज उगना, कवर्ड इन हेयर, बाल से ढका होना, कवर्ड इन हेयर मीन्स क्या, बाल से ढका होना। एंग्री, एंग्री पता सबको होगा, एंग्री मीन्स क्या, क्रोध, गुस्सा, एंग्री मीन्स क्या, क्रोध या गुस्सा। तो पांचवा आंसर क्या होगा, यही होगा, नैरो ट्रेंच होगा। ऐसे नैरो ट्रेंच मीन्स क्या, पतली, पतली खाई, आ फ्यूर मीन्स का हल चलाना। जब हल चलाते हैं तो क्या गड्ढा होते जाता है ना, आप देखे होंगे, है ना, कि आज से बहुत साल पहले, 5 साल 20 साल पहले जब हल जुताई होता था तो बैल से, चाहे अभी भी इसे ट्रैक्टर से जुताई होता है, तो जो क्या होता है, गड्ढा होते जाता है ना।
आई नैरो ट्रेंच मीन्स क्या, पतली खाई, यानी इस तरह जो है चिड़चिड़ा होते हुए जाना, है ना। तो इससे मिलता उलता ए है, ऑप्शन ए है, आंसर ए होगा। क्या होगा आंसर ए। और ये सब वर्ड जो है आप लिख लेंगे, है ना, इसके बाद भी बहुत सा है तो मैं बार बोलूंगा नहीं, जब मैं साइड हो जाऊँ समझ जाना है कि लिखना है, ठीक है, और खूब अच्छे से याद कर लेंगे। आप साइनों के आंसर, साइन एंटोन आंसर तभी कॉन्फिडेंस से आप दे सकते हैं जब आपको सब मीनिंग पता होगा, है ना। और नहीं तो आप डायरेक्ट याद करते हैं इसका मीनिंग है, ये सब का हिंदी नहीं जानते हैं तो एग्जाम में यदि उलट फेर कर दे दिया तो फिर आपको दिक्कत कर जाएगा, ठीक है। तो सबका मीनिंग याद कीजिए, किसका क्या मीनिंग होता है, बस एग्जाम में आप जो है सबका मीनिंग निकाल कर जो मिलता है वो टिक लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं, फिर ये जो है ये कुछ नहीं है, हाँ ये देखिए क्या है, पहले आप आंसर दीजिए, क्वेश्चन सही है आपको, क्वेश्चन यहाँ से है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, आप पहले आंसर दीजिए। लिखा हुआ है अ वॉमर सब्स्टिट्यूशन एन एक्सीडेंट विच रिजल्ट्स इन डेथ, क्या आंसर होगा, लिख लिए होंगे। देखिए ऐसी घटना जो जिससे मौत हो जाती है, ऐसी घटना जिससे मौत हो जाती है उसको क्या बोलते हैं, तो इंजूरियस मिस क्या, हानिकारक, इंजूरियस मिस क्या होगा, ये जो आप चल लिख सकते हैं, जख्मी लिख सकते हैं, इंजूरियस मिस क्या जख्मी होगा, और डेंजरस पता है खतरनाक, डेंजरस मिस क्या खतरनाक, और फैटल मिस क्या घातक होता है, फैटल मिस क्या घातक, और टेरिबल मिस क्या होता है भयानक, टेरिबल मिस क्या भयानक होगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा आपका, आंसर सी होगा, आंसर क्या होगा सी, ठीक है। आगे फिर वर्ड वर्ड सब क्वेश्चन है और आपका यहां से क्वेश्चन शुरुआत होता है, आंसर दीजिए। यदि आपका वर्ड पावर पकड़ होगा तो मैं कहता हूं कि सिविल कोर्ट एग्जाम देंगे तो इंग्लिश का क्वेश्चन आने बड़ी मजा आएगा, समझ गए, ये एसएससी जैसे एलडीसी हुआ सीजल हुआ वैसा नहीं है, बहुत एवरेज क्वेश्चन रहेगा, यानी कहिए तो ये कहिए तो 40% हार्ड, सीजल का 40% है, उतना टॉप रहेगा नहीं, ठीक है। क्या आंसर होगा, कहता है एक एक अच्छा अनुभवी व्यक्ति, एक अच्छा अनुभवी व्यक्ति को क्या बोलते हैं, तो ऑप्शन देखिए इंटेलिजेंट मीन्स क्या तेज, इंटेलिजेंस क्या तेज होता है, वेटरन मीन्स क्या इसका मीनिंग होता है अनुभवी, इसका मीनिंग होता है अनुभवी, ठीक है। और ओल्ड मैन बूढ़ा व्यक्ति, वाइज मैन बुद्धिमान व्यक्ति, तो यहां क्या कह रहा है कि एक अच्छा अनुभवी व्यक्ति, तो आंसर क्या होगा वेटरन होगा, क्या होगा वेटरन। आप फिर यहां से लेकर यहां तक क्वेश्चन है, लास्ट तक आंसर दीजिए आप लोग, आपने पेज में आंसर दीजिए, वही तो है ये रिपीट कर गया, एक अच्छा अनुभवी व्यक्ति क्या होगा वेटरन होगा, ठीक है। आगे अब इसका दीजिए ए, इसका आप आंसर दीजिए क्या होगा, और ए आप कैंसिल कीजिए, ए जो है यहां पर नहीं लिखा होना चाहिए, है ना। तो क्वेश्चन व्हाट इज एंटोनिम, एंटोनिम क्या है, देखिए दे दिए होंगे आप आंसर, पर्सन हु लुक्स आफ्टर हिज पीपुल, वह व्यक्ति जो अपने लोगों को देखभाल करता है, पहला ऑप्शन कह रहा है वह व्यक्ति जो अपने लोगों को देखभाल करता है, तो इसका आंसर तो होगा नहीं, एंटो मीन्स क्या उल्टा मीनिंग, उल्टा मीनिंग, एनिमल्स कैपेबल ऑफ लिविंग इन वाटर, जो एनिमल वाटर में रहने में सक्षम है, ऐसे एनिमल जो वाटर में रहने में सक्षम है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आ वर्ड सेम इन मीनिंग टू अनदर, माने ऐसी वर्ड जो दूसरे वर्ड से मीनिंग में सेम हो,
ऐसी वर्ड जो दूसरे वर्ड से मीनिंग में क्या हो, सेम हो, वो तो साइनो कहलाता है ना, ये तो होगा नहीं। अ वर्ड अ पोएट इन मीनिंग टू अदर, कह रहा है कि ऐसी वर्ड जो दूसरे वर्ड के मीनिंग में क्या हो, उल्टा हो, ऐसी वर्ड जो दूसरे वर्ड के मीनिंग में उल्टा हो, आंसर क्या होगा, डी होगा, आंसर क्या होगा, डी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दीजिए आप, आंसर क्या हो सकता है। तो आज हो गया डेट 7 और संभावना है कि एग्जाम जो है 17 दिसंबर को हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि अभी एडमिट कार्ड नहीं आया है, लेकिन आप अपने तैयारी जो है कंटिन्यू रखेंगे और इंतज़ार करेंगे। क्या होगा, आंसर दे दिए होंगे, द मोटिव टू अर्न मनी, यानी पैसे कमाने का उद्देश्य, पैसे कमाने का उद्देश्य। तो क्या होगा आंसर, मर्चेंट मीन्स क्या होता है, व्यापारी, मर्चेंट मीन्स क्या, व्यापारी, लिखता हूँ इसका मीनिंग होता है व्यापारी होता है। और मर्सिनरी मीन्स क्या होता है, भाड़े का, इसका मीनिंग दो याद रखिएगा, एक होता है भाड़े का होता है और दूसरा क्या होता है, लोभी होता है, इसका मतलब होता है लोभी, क्या होता है, लोभी होता है, जो लोभ होता है धन का। मैटनी जानते हैं, दोपहर का फिल्म का शो, इसका मीनिंग हुआ दोपहर का फिल्म का शो, फिल्म शो, फिल्म का शो होगा। ठीक है, जिससे आप जाते होंगे सिनेमा घर में देखते होंगे, मैटनी लिखता हुआ। और मेटेरियलिस्टिक मीन्स क्या, भौतिकवादी, भौतिकवादी यानी जो रहीसी जीवन जीने जीता है, जो रहीसी जीवन जीता है। आंसर क्या होगा, आंसर आपका, इसका आंसर क्या होगा, मर्सिनरी होगा, लोभी होगा, पैसे कमाने की है ना क्या उद्देश्य, तो क्या मर्सिनरी, भाड़े का है, लोभी होगा। आगे यहां से आपका आंसर है दीजिए, आंसर आप दीजिए। और कंप्यूटर हिंदी भी जो है, जिसका कंप्यूटर और हिंदी जबरदस्त होगा उसका रिजल्ट होगा, और मैथ इंग्लिश आप पढ़ते ही हैं, और इंग्लिश में भी जो स्टूडेंट इंग्लिश को आप हल्का ले रहे हैं तो उसके लिए तो इंग्लिश भी टॉप है ना, मैथ तो बहुत ईजी पूछा जाएगा। तो इंग्लिश हिंदी कंप्यूटर जो संभाल लिया उसका मेरिट लिस्ट बन गया। ठीक है, क्या आंसर होगा, आप दे दिए आंसर, दैट विच कैंट बी करेक्टेड इज कॉल्ड, ऐसी चीज जिसको सुधारा नहीं जा सकता, ऐसी चीज जिसको सुधारा नहीं जा सकता उसको क्या बोलते हैं। तो आपको माइंड में आ गया क्या होगा, इनकरिजिबल, इसका आंसर क्या होगा, इनकरिजिबल, इसका मीनिंग होगा जिसको सुधारा नहीं जा सके, सुधारा है ना नहीं जा सके। ठीक है, और इन एलिजिबल मीन्स क्या, ये भी लिख देता हूं, अयोग्य, इसका मीनिंग होगा अयोग्य। ठीक है, इन इलेक्टेबल, और मैं दो वर्ड छोड़ता हूं, ये दो वर्ड जो आप खुद बताएंगे कमेंट करके कि इन, देखिए इन मीन्स क्या होता नहीं, इन मीन्स क्या होता नहीं, इन मीन्स क्या होता नहीं, और शॉर्ट एबल, इलेक्ट एबल, ये सब का मीनिंग आप बताएंगे। ठीक है, ये आपके लिए छोड़ दिया हूं। आगे देखिए, यहां से लेकर यहां तक है, दीजिए आंसर। ठीक है, क्या होगा, और जो बिहार सिविल कोर्ट के भाड़े हैं वह तो उसके लिए तो रामबाण है ही, साथ ही जो एमटीएस एसएससी का, एसएससी में एमटीएस एलडी सीजल है, ये सब का तैयारी करते हैं, तो ये
क्लास देखेंगे, है ना। और जो आपके साथी है जो इससे तैयारी करते हैं उनको भी कहेंगे एक क्लास देखने के लिए, है ना। तो बहुत ही फायदेमंद होगा। क्या कर रहा है, दे दिए होंगे आंसर आप लोग। व्हाट वी कॉल अ पर्सन हु इज एक्सट्रीमली डिजायर ऑफ मनी, यानी कह रहा हम लोग ऐसे व्यक्ति को क्या कह सकते हैं। कह रहा है कि हम लोग ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं जो पैसे, जिसे पैसे की बहुत इच्छा होता है, जिसे पैसे की बहुत इच्छा होता है उसको क्या कहते हैं। तो देखिए, अर्न मीन्स क्या, नहीं, आ सक्सेसफुल मीन्स क्या, सफल, और सफल नहीं, यानी इसका मीनिंग क्या होगा, असफल हो जाएगा, असफल होगा, ठीक है। और ग्लूमी मीन्स क्या हो जाएगा, ये उदास होगा, उदास या कह सकते निराश होगा इसका अर्थ, इसका उदास या निराश होगा। वल्नरेबल इसका मीनिंग क्या, असुरक्षित, इसका मीनिंग होगा असुरक्षित, ठीक है, असुरक्षित होगा। और अवेरिशियस मीन्स क्या, बहुत लालची, इसका मीनिंग होगा बहुत लालची। तो क्या आंसर होगा आपका, आंसर हो जाएगा डी, आंसर क्या होगा डी, साइड हो गया। इसका मतलब क्या, आपको ये सब वर्ड लिख लेना वीडियो पॉज करके, ठीक है। बढ़ते आगे, फिल इन द ब्लैंक्स यानी भरने वाला है, क्या है भरने वाला, क्वेश्चन आपको यहां से है, दीजिए आंसर। और कंटिन्यू जो है आप जो है मेरा क्लास कीजिए, और मैं छुप छुपाऊं नहीं, मेरा क्लास कीजिए। साथ ही जो आपके पास जो अदर कोई है बुक है, देखिए एक क्लास कीजिए, और जैसे आपको पेज में आप देते हैं कि इसका क्या, ऐसा क्या होगा, ऐसे आजमाइए। और दूसरी बात कि इसका जो सिलेबस है ना, और आपके पास जो बुक है साइनो का इंटो का, उसको खूब आप रट्टा मार लीजिए, समझ गए। तो क्या ऐसा, गिव मी द बुक यानी मुझे वह किताब दीजिए, डैश फेल ऑफ टेबल। तो यहां पर क्या भरेंगे हम लोग, देखिए हु जो है हु प्रयोग करते हैं आदमी के लिए, हु प्रयोग करते हैं आदमी के लिए, बताइए ये जो है ये आदमी है बुक नहीं ना है। होम भी प्रयोग करते आदमी के लिए, होम भी प्रयोग करते आदमी के लिए नहीं है। विच, विच प्रयोग करते हैं ए नॉन लिविंग थिंग के लिए, विच प्रयोग करते हैं नॉन लिविंग थिंग के लिए, बर्ड के लिए, समझ गए। और हुज प्रयोग करते आदमी के लिए, हुज प्रयोग करते आदमी के लिए, तो आंसर क्या होगा, विच होगा, ठीक है, आंसर होगा विच। याद रखिए विच प्रयोग करते हैं क्या, किसके लिए, नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग और बर्ड के लिए, किसके लिए, बर्ड के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर भरने वाला यहां से यहां तक है, दीजिए आंसर। आप भी करेंगे, आप सिर्फ सोचे सिर्फ वीडियो देखे तो ऐसे आपको जो है फायदा भी नहीं होगा और मन भी लगेगा नहीं, है ना। आप दोनों कीजिए, क्या होगा, दोज बर्ड्स डैश ऑन देयर वे माइग्रेट ड्यूरिंग द नाइट डू नॉट फीड, इसका आंसर आप दे दिए होंगे। अब देखिए यहां फिर भरना है, तो यहां भरना है यहां पर हु दैट विच हुम है। देखिए हु किसके लिए, आदमी के लिए, यहां बर्ड है, बर्ड तो आदमी नहीं है, ए ऑप्शन कैंसिल हो गया। दैट, दैट का प्रयोग नहीं करेंगे, दैट का प्रयोग नहीं करेंगे, है ना। यहां दैट प्रयोग कब करते, जब यहां होता नॉन लिविंग थिंग, क्या होता है नॉन लिविंग थिंग, ये नहीं करेंगे। विच आपको अभी जस्ट इससे पहले क्वेश्चन बताया था कि क्या बोलते हैं, नॉन लिविंग थिंग हो या बर्ड हो तो उसके प्रयोग करें विच, तो आंसर क्या होगा, विच होगा, यहाँ क्या होगा, विच होगा। और होम प्रयोग करते आदमी के लिए, होम प्रयोग करते हैं आदमी के लिए, आदमी तो है नहीं, तो आंसर क्या होगा, सी होगा। फिर भरने वाला है, आंसर दीजिए। और कमेंट में आप पहले अपना नाम लिखिए, समझ गए,
और आप कितना अटेम्प्ट किए है ना, कितना मार्क्स आया, ये सब आप लिखेंगे। ठीक है, तो दीजिए आंसर क्या होगा। पांचला, मस्ती में तैयारी कीजिए है ना, जितना आप इंजॉय रहकर तैयारी करते हैं वह उतना जो है दवा खिलेगा है ना, प्रेशर में होता नहीं है। आप दे दिए आंसर, बढ़े आगे बताएं। द प्रिंसेस वाज आस्क्ड टू चूज अ हस्बैंड फॉर डैश, यानी राजकुमारी को कहा गया पति चुनने के लिए, राजकुमारी को कहा गया पति चुनने के लिए, किसके लिए, तो अपने लिए ना, तो ये हर सेल्फ होगा, क्या होगा, हर सेल्फ, हिम सेल्फ नहीं होगा, हिम लड़का के लिए, लड़का तो है नहीं, वन सेल्फ होगा नहीं, क्योंकि यहाँ ओ एन ई लिखा नहीं है, इट सेल्फ ना लिविंग थिंग नहीं है, नहीं होगा। अब प्रिंसेस मिस क्या होगा, राजकुमारी, इसका मीनिंग क्या होता है, राजकुमारी, ठीक है। आ देखिए प्रिंस होता है, प्रिंस मिस क्या, राजकुमार, क्या होगा, राजकुमार, तो आंसर क्या होगा, हर सेल्फ, क्या होगा, हर सेल्फ। बढ़ते आगे, फिर दीजिए आंसर यहां से लेकर यहां तक भरने वाला है, पूरा मान लगाइए सब। अब मान लीजिए कि आप एग्जाम में बैठे हुए हैं ना, और यहां इस यहां पर दिमाग लाएंगे, वहां पर पूरा क्वेश्चन पर चू जाएगा, तो अच्छा नहीं है, क्या होगा, दे दिए होंगे आंसर। ऑल द सोल्जर्स लुक्ड एट द स्वेड, यानी सभी सैनिक स्वीडन के लोगों को देखते रहे, डैश हैड अ फ्रेंडली फेस, और फ्रेंडली फेस था यानी दोस्ताना चेहरा था, यानी सभी सैनिक जो है ये स्वीडन के लोगों को है ना देखते थे, और किस क्या क्या फ्रेंडली फेस था। तो यहाँ देखिए हुज है, हुज प्रयोग करते आदमी के लिए, हुज का प्रयोग करते आदमी के लिए, लेकिन इधर ठीक है, हुज का प्रयोग करते आदमी के लिए, लेकिन अधिकार बताने के लिए करते हैं, हुज का प्रयोग करते आदमी के लिए, अधिकार बताने के लिए, और इसके बाद नाउन आता है। अगर यदि आप हुज भरते हैं तो हुज के बाद क्या होना चाहिए, नाउन होगा, हुज का नाउन होगा, तभी हम लोग हुज भरेंगे। तो क्या डैश के बाद नाउन है, नहीं ना, ये तो हेल्पिंग वर्ब है ना, है तो हेल्पिंग वर्ब है, हुज होगा नहीं, और हु बोला था, हु आदमी के लिए है ना, और इसके जस्ट बाद आता है वर्ब, हु के बाद जो है हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आता है, तो यहां पर तो है हेल्पिंग वर्ब है, तो हु हो सकता है, हुम के बाद आना चाहिए, होना चाहिए हुम के बाद भी नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए, नाउन या प्रोनाउन वर्ड होना चाहिए, तो हेल्पिंग वर्ब तो होगा नहीं। और बीच बताया था किसके लिए, एनिमल के लिए, और बीच का प्रयोग बताया था नॉन लिविंग थिंग के लिए और एनिमल के लिए, नॉन लिविंग थिंग, और ध्यान दीजिएगा कन्फ्यूज है, बीच का प्रयोग करते हैं नॉन लिविंग थिंग और बर्ड के लिए, नॉन लिविंग थिंग और बर्ड के लिए, तो ये होगा नहीं, आंसर क्या होगा, हु, यहाँ क्या भराएगा, हु, ठीक है, ये सब लिख लेंगे। मैं पहले बोल दिया था कि बाबा बोलूंगा नहीं, सैड हो जाओ, समझ जाए कि लिख लेना है। आए क्या है, यहां से यहां तक दीजिए आंसर, आप भी जो है कीजिएगा, तब जो आपके अंदर जोश जज्बा आएगा है ना, मन लगेगा, और सोच से भी देखेंगे तो फिर कोई होम थिएटर क्या बोलते हैं, प्रोग्राम नहीं हो रहा है, डांस नहीं हो रहा है ना, क्या होगा, दे दिए होंगे आंसर, द मैन डैश भरना है। और एक चीज देख लीजिए, आगे आपको नाउन दिया हुआ है, आगे नाउन, तो हु तो होगा नहीं, क्योंकि हु के बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आता है, तो हु तो होगा नहीं, क्योंकि आगे नाउन दे दिया, हुज बताया हूं ना, हुज का प्रयोग करते आदमी के लिए, और इसके आगे क्या होना चाहिए, इसके आगे होना चाहिए, ना होना चाहिए,
अब जस्ट बोला हूँ का प्रयोग आदमी आदमी के लिए अधिकार बताने के लिए और उसका आगे नाउन होना चाहिए, तो नाउन आगे है तो हुज ही होगा, हुज ही होगा, होम 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 मीन्स क्या जिसे, होम मीन्स क्या जिसे इसका आदमी लिए करते हैं है ना, लेकिन ऑब्जेक्ट रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में। और देखिए अगर लिखते हैं द मैन और हुम लिखते हैं तो वह आदमी जिसे, जिसे बेटा नहीं हुम नहीं होगा, हुम का प्रयोग करते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में, हुम नहीं होगा यहाँ पर है ना, और दैट भी नहीं होगा क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग नहीं है। यहाँ अगर हुज भरेंगे है ना तो क्या वह आदमी जिसका बेटा को कल गिरफ्तार किया गया आ गया है, वह बेटा जिस, वह आदमी जिसका बेटा है ना, तो ये हुम नहीं होगा, होजे होगा है ना, अधिकार बताने के लिए होज, हुम नहीं, हुम का सेंटेंस उस टाइप का आगा तो मैं बता दूंगा जैसे आपको क्लियर हो जाएगा है ना। अब इतना ही रखिए, फिर भरने वाला यहाँ से यहाँ तक है, दीजिए आंसर क्या हो सकता है। तीसरी टाइप के क्वेश्चन वहां रहने वाला है ना, दीजिए क्या होगा आंसर। चलिए आते हैं, आप आंसर दे दिए होंगे, द किंग डैश गेव, देखिए यहां पर डैश के बाद क्या है, ए मेन वर्ब है ना, तो यहां पर तो कहा देम सेल्फ्स, देम सेल्फ्स, देखिए देम सेल्फ्स जो है दे का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है देम सेल्फ्स, समझ मैं क्या बोला हूं, दे का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है देम सेल्फ्स, और दे प्रयोग कब करते हैं, एक से ज्यादा होने पर, एक से ज्यादा होने पर, दे मीन्स का बेलोग, तो द किंग, और यहां दे भर सकते हैं क्योंकि किंग तो एक है ना, एक बता रहा है तो दे तो होगा नहीं, देश से जो देम सेल्फ होगा नहीं। आगे हिम सेल्फ, हिम सेल्फ, तो यहां जब लिखेंगे तो क्या यहां लिखना है सबेट, मेन भाव सब पहले क्या सबेट, तो सबेट रूप में तो हिम सेल्फ होगा नहीं, ये हिम सेल्फ होगा नहीं, वन सेल्फ बीन द किंग, वन सेल्फ कैसे होगा, रुक जाइए ये मैं देखा नहीं, देखिए वन सेल्फ भी नहीं होगा क्योंकि ओ एन ई वन नहीं है, ए नहीं होगा, ईट कोई नॉन लिविंग थिंग नहीं कि ईट होगा, ए हिम सेल्फ होगा, यहाँ पर हिम सेल्फ होगा है ना, और हिम सेल्फ हो गया यानी आप इसको क्या बोलेगा इम्फैटिक, ये हिम सेल्फ क्या कहलाएगा, ये इम्फैटिक पुराण कहलाएगा, देखिए यहाँ पर यानी कहने का अर्थ क्या है कि सब्जेक्ट हो और सब्जेक्ट के बाद जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देते हैं, समझिए यहाँ पर सब्जेक्ट हो इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं और उसके बाद भार भी यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, तो इसको बोलते हैं इम्फैटिक प्रोनाउन, क्या बोलते हैं इम्फैटिक प्रोनाउन बोलते हैं। अब इतना भी नहीं समझे तो याद रखिएगा कि जो है सर्ट के बाद जो है ये फ्लेक्सी पार्ट का यूज करते हैं और ये इसके अनुसार आएगा, किंग के अनुसार आएगा, तो आंसर क्या होगा हिमसेल्फ होगा, क्या होगा हिमसेल्फ। आगे बढ़ते हैं, चलिए यहां से लेकर यहां तक बताइए क्या आंसर होगा, था 23 है ना, टाइम भी देखना है हम लोगों को, पता चल गया क्या आंसर। देखिए यहाँ क्या होगा, हु है तो हु किस लिए करते हैं, आदमी के लिए करते हैं, यहाँ तो आदमी है नहीं है, कैंसिल कीजिए, होम का प्रयोग करते हैं ऑब्जेक्ट रूप में, और मैं बताया था उस टाइप का सेंटेंस आएगा तो मैं बताऊंगा, अभी ध्यान नहीं है। आगे क्या है, आई है, आगे आई है, चलिए होम तो लग रहा होने संभावना है, देखिए आगे देखिए दैट जान लीजिए, यहाँ पर दैट बताया था कि नॉन लिविंग थिंग के लिए करते हैं, नॉन लिविंग थिंग के लिए दैट में दोनों याद रखेंगे, दैट का प्रयोग लिविंग थिंग के लिए भी है नॉन लिविंग थिंग के लिए भी, दैट का यूज लिविंग थिंग के लिए भी है नॉन लिविंग थिंग के लिए भी, और यहाँ पर जब यहाँ
लार्ज में ईएसटी जुड़ा हुआ है, तो हो गया सुपरलेटिव डिग्री। लार्ज में ईएसटी जुड़ा हुआ है तो क्या हो गया सुपरलेटिव डिग्री। जब यहाँ सुपरलेटिव डिग्री हो तो यहाँ दैट भरेंगे, क्या भरेंगे दैट भरेंगे, तो आंसर हो जाएगा आपको होगा आपका आंसर हो जाएगा सी। आंसर क्या होगा सी होगा। फिर फ्रॉम द फोर अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो चूज द क्या है करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम एंड फ्रेज। देखिए आपको यहाँ से क्वेश्चन है और इडियम्स है, बताइए आंसर क्या होगा, पता चल गया होगा और आंसर भी दे दिए होंगे। देखिए कॉल है स्पेड स्पेड, इसका मीनिंग स्पष्ट क्या होता है स्पष्ट है ना स्पष्ट, तो इसका क्या होगा टू बी फ्रेंक होगा, क्या होगा टू बी फ्रेंक है ना, और टू बी हाइपोक्रिटिकल यानी क्या उसको बोलते हैं पाखंडी बोलते हैं, इसका मीनिंग होगा पाखंडी होगा पाखंडी समझ गए। और लाइम इसका झूठ बोलना, लाइम इसका झूठ, और ये क्या होगा स्नीच मिस है चुगलखोर होगा, हो जाए चुगल खोर होगा या चुगली करना, इसका चुगली करना ही होगा, चुगली करना किसका मीनिंग, किसका मीनिंग ए स्नीच स्नीच मिस का चुगली करना, और टू फ्रेंक फ्रेंक मिस का स्पष्ट होता है, तो आंसर कौन होगा आपको, आपका आंसर डी होगा। आंसर क्या होगा डी, याद कर लेंगे कॉल स्पेड स्पेड मिस का स्पष्ट होना, तो क्या होगा स्पष्ट टू बी फ्रेंक होगा। आगे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड यानी चार ऑप्शन में जिसमें स्पेलिंग मिस्टेक जिसमें स्पेलिंग सही है, चार वर्ड में जिसमें स्पेलिंग सही हुआ हमारा आंसर होगा, दीजिए आंसर। पचला देखिए पहले आप दीजिए क्या होगा इसका होगा सप्लीमेंट, आप और लिख लीजिएगा ना एस यू डबल पी एल ई एम ई एन टी ए आर वाई, अब बताइए किसे मिल रहा है, अगर नीचे देखिए एस यू डबल पी ठीक है एल ई ठीक है एम ई एन ठीक है टी ए आर वाई नहीं है, यहाँ मिस्टेक है यहाँ पर ई लिखा हुआ है, ये तो होगा नहीं एस यू डबल पी एल ई होना चाहिए, डबल एल आ गया डबल एल आ गया, ये भी नहीं होगा एस यू डबल पी एल ई एम ई एन टी आर वाई, ये हो जाएगा यहाँ डबल पी है नहीं, आंसर क्या होगा बी नंबर, आंसर क्या बी नंबर। और मैं पहले बताया था स्पेलिंग मिस्टेक दे समझिए को आपको फ्री मार्क्स दे रहा है, फ्री मार्क्स दे रहा है, और उसमें गलती कीजिए तो फिर कहाँ जाइएगा, क्या होगा ये अब क्वेश्चन कहाँ से, ये इडियम्स है क्या है नहीं सब इंस्टीट्यूट है, यानी वन वर्ड सब क्वेश्चन है, आंसर दीजिए क्या होगा आंसर, पता चल गया होगा। और आप जो है पूरा एक्टिव रहिए है ना, मुझे मालूम कैसे चलेगा कि आप टिक लगा लिए कि नहीं लगाए, पूरा एक क्वेश्चन देखिएगा फर्स्ट लगाने का आंसर दीजिएगा, आंसर लगा लीजिएगा ठीक है, लगा लिए होंगे। देखिए अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, ऐसी जगह जहाँ पक्षियों को रखा जाता है, ऐसी जगह जहाँ पक्षियों को रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं, तो याद कर लो उसको बोलते हैं एवियरी, क्या बोलते हैं एवियरी, यहाँ लिखता है मीनिंग याद कर लीजिएगा। जूम इस क्या होगा पता होगा सबको चिड़ियाघर, जूम इस चिड़ियाघर, एपियरी मिस का है ना मधु वह जगह है ना वह जगह जहाँ मधुमक्खियों को रखा जाता है, मधुमक्खी को रखा जाता है, रखा जाता है समझ गए। और आर्मरी मिस का वह जगह जहाँ हथियार हथियार को रखा जाता है, आर्मरी मिस का वह जगह जहाँ हथियार को रखा जाता है, और एवियरी मिस का वह जगह जहाँ है ना पक्षियों को रखा जाता है ठीक है,
मैं सैड होता हूँ, इसको जो है आप वीडियो पॉज करके लिख लेंगे, ठीक है, हो गया। आगे बढ़ते हैं, आप क्या है, साइनो है, और आपको क्वेश्चन यहाँ है, दीजिए क्या होगा, क्या होगा, चलिए दे दिए होंगे। कंबल मुस्लिम मीन्स क्या, ये होगा झगड़ालू, इसका मीनिंग क्या होता है, झगड़ालू। तो ढूंढिए क्या आंसर होगा। वंडरफुल मीन्स क्या, आश्चर्यजनक, वंडरफुल मीन्स क्या, आश्चर्यजनक। और हैवी मीन्स क्या, ये भारी होता है, क्या होता है, भारी। और ग्रेसफुल मीन्स क्या, ग्रेसफुल मीन्स क्या, इसका होगा कृपा हो जाएगा, ग्रेसफुल मीन्स होगा आपको कृपा या शालीनता हो जाएगा, इसका इसका मीनिंग शालीनता हो जाएगा। और वर्चुअस मीन्स क्या, अच्छा गुण, वर्चुअस मीन्स क्या, अच्छा गुण, इसका मीनिंग होगा अच्छा गुण होगा। और एक वर्ड का बहुत सा मीनिंग होता है, देखिए इसका कम्बरसम, झगड़ालू या भारी भी होता है, क्या होता है, भारी। तो क्या होगा, साइन ढूंढना है, आंसर बी होगा, आंसर क्या होगा, बी। बताइए ये क्या बताना है, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, क्या समझे, वन वर्ड्स आपके क्वेश्चन है, और क्वेश्चन आपका यहाँ से है, बताइए। आप तो एग्जाम नज़दीक आ गया, आप तो आपका हाथ चलना चाहिए, है ना, समय ज़्यादा थोड़ी है कि आप लर्निंग पीरियड में, इसलिए मैं ऐसा मेरा मानना है, और ऐसा मैं महसूस करता हूँ कि आप लोग इसका देखते ही टिक लगा लिए होंगे। यदि देखते हो आपको आंसर माइंड नहीं आता, समझिए आपका तैयारी नहीं है, अब तैयारी नहीं है, क्योंकि मुश्किल से कहिए तो 10 दिन समय है, 10 दिन समय है, अभी एडमिट कार्ड आया नहीं है, लेकिन हम लोग जो है उम्मीद से कर रहे हैं, गेसिंग कर रहे हैं। क्या होगा, लगा लियो टिक। अ पर्सन हुज इंडिफरेंट टू द पेन्स एंड प्लेज ऑफ लाइफ, जो व्यक्ति जीवन के दुख और खुशी से उदासीन होते हैं, जो व्यक्ति जीवन के दुख और खुशी से उदासीन होते हैं, यानी कहने का अर्थ है जो व्यक्ति अपने जीवन के दुख और खुशी से कोई मतलब नहीं रखते, जो व्यक्ति अपने जीवन के खुशी या दुखी से मतलब नहीं रखते, उसको क्या बोलते हैं, स्टोइक, डायरेक्ट याद रखेंगे, स्टोइक, है ना। और इंट्रोवर्ट मीन्स क्या, अंतर्मुखी, इंट्रोवर्ट मीन्स क्या, अंतर्मुखी। सोशल मीन्स क्या, सामाजिक, सोशल मीन्स क्या, सामाजिक। और सोलिटरी मीन्स क्या, अकेला, इसका मीनिंग क्या होगा, अकेला होगा, ठीक है। तो आंसर पता चल गया क्या होगा, स्टोइक होगा, डायरेक्ट याद रखेंगे। आगे यही तो है, फिर रिपीट किया, आंसर होगा स्टोइक, क्या होगा, स्टोइक। आप क्या है, वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, यहां से क्वेश्चन है, दीजिए, ज्यादा समय देंगे नहीं। मैं पहले कहा था कि बिहार सिविल कोर्ट का थोड़ा भी गलती नहीं है, एक साल समय दिया है, जो स्टूडेंट उसी समय से लग गया होगा, है ना, तो जो है वो देखते ही बना देता होगा। और आप जो है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तैयारी किए होंगे कंटिन्यू, और इसका आंसर दे दिए होंगे, पता चले क्या आंसर होगा, टिक लगा लिए, ठीक है। देखिए क्या है, वन हु डज अ थिंग फॉर प्लेजर एंड नॉट एज अ प्रोफेशन, जो व्यक्ति खुशी के लिए कोई चीज करता है और व्यवसाय के रूप में नहीं, पेशा के रूप में नहीं, जो व्यक्ति खुशी के लिए कोई चीज करता है पेशा के रूप में नहीं, पेशा के रूप में नहीं, उसको बोलते हैं अमेचर, क्या बोलते हैं, अमेचर, है ना। ये बहुत सुपरहिट क्वेश्चन है, ये बहुत से एग्जाम में पूछ चुका है ना, याद रखिए। अमेचर मीन्स क्या, शौकीन, इसका मीनिंग होता है शौकीन होता है, ठीक है। और स्पोर्ट्स पर्सन मीन्स क्या, खिलाड़ी, इसका मीनिंग होगा खिलाड़ी। मैं कहा था 20 लाख वर्ड है, किसी को संभव नहीं को उतना याद रहेगा, लेकिन जो कॉमन वर्ड है जो एग्जाम में पूछा है तो आपको याद होना चाहिए, ये सब कॉमन वर्ड है, ये सब खूब अच्छे से रट लीजिएगा, है ना, याद बहुत अच्छा से। वॉलंटियर मीन्स क्या, स्वेच्छा से, यानी अपनी इच्छा से कोई काम करना, इसका मीनिंग हुआ स्वेच्छा
से, यानी स्वेच्छा मीन्स क्या, अपनी मर्जी से कोई काम, अपनी इच्छा से कोई काम करना। इसका मैं लिखता हूँ, अपनी इच्छा से कोई काम करना, इच्छा से कोई काम करना, ठीक है। और एथलीट मीन्स क्या होगा, धावक, धावक होता है ना दौड़ने वाला, वो होगा। तो आंसर क्या होगा, अमेचर, जो मैं पहले टिक लगा दिया हूँ, ठीक है। बढ़ते आगे, साइनो बताना है, किसका साइनो, अफिनिटी का। दीजिए आंसर, डोंट डू लेट, हो गया होगा। आइए बताते हैं, अफिनिटी मीन्स क्या, लगाओ, इसका मीनिंग क्या होगा, लगाव होगा। मोनोटोमी, मोनोटोमी, मोनोमिस का एक, मोनोमिस का एक, उस टाइप का वर्ड है। ब्यूटीमिस का सुंदरता, एम्पैथीमिस का सहानुभूति, सहानुभूति, ठीक है। और डिसेंसी, इसका मतलब क्या, शालीनता, इसका मीनिंग होगा शालीनता, ठीक है। और ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ, मोनोटोनी का मीनिंग क्या होगा आप बताएंगे, कमेंट करेंगे, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, एम्पैथी हो जाएगा, क्या होगा, एम्पैथी। सहानुभूति क्या होता है, कि किसी को देखते हुए उसका दुख दर्द समझ जाते हैं कि उसका क्या प्रॉब्लम है, उसे बोलते हैं सहानुभूति बोलते हैं, ठीक है। आगे एंटो बताना है, किसका एंटो, फ्यूड का। बताइए क्या होगा फ्यूड का आंसर, फ्यूड का आंसर क्या होगा, आंसर दीजिए, फ्यूड क्या होगा। फ्यूड का आंसर क्या होगा, आंसर देंगे आप लोग, फ्यूड पता चल गया होगा क्या होगा। देखिए फ्यूड मीन्स क्या होता है, झगड़ा, फ्यूड मीन्स झगड़ा होता है या कला होता है, क्या होता है, कला। तो इसका उल्टा मीनिंग क्या होगा, फ्रेंडशिप मीन्स क्या, दोस्ती, फ्रेंडशिप मीन्स दोस्ती, इसका आंसर तो ये हो जाएगा, झगड़ा है उल्टा दोस्ती। फाइट मीन्स लड़ना, फ्रिक्शन मीन्स क्या, घर्षण या टकराव, इसका मीनिंग आप जानते हैं, घर्षण होता है या टकराव भी होता है, टकराव, ठीक है। अब फर्स्ट मिस क्या, हंगामा, फर्स्ट मिस क्या होगा, हंगामा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, फ्रेंडशिप होगा। आगे एंटो बताना है, किसका, रिवाइव, बताइए, ठीक है, हो गया। रिवाइव मिस का फिर से जीवित होना, रिवाइव मिस का फिर से जीवित होना, जीवित होना, इसको बोलते हैं पुनर्जीवित, इसको क्या बोलते हैं, पुनर, है ना, पुनर्जीवित, पुनर्जीवित बोलते हैं, ठीक है, पुनर्जीवित। एराउज मीन्स क्या, एराउज मीन्स क्या होता है, कंसोल मीन्स क्या होता है, रिन्यू मीन्स क्या होता है, रुइन मीन्स क्या होता है, रुइन मीन्स क्या, बर्बाद होना, रुइन मीन्स क्या, बर्बाद होना होगा, ठीक है। कंसोल मीन्स क्या होता है, सांत्वना देना, सांत्वना देना, समझ गए। एराउज मीन्स क्या, उठाना, एराउज मीन्स क्या, उठाना, इसका अर्थ होगा, उठाना अर्थ होगा, ठीक है। और रिन्यू मीन्स क्या, फिर से नया करना, तो आपका आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, क्या होगा, सी, ठीक है। अब जो है ए, आप इस तरह ए बी सी डी देखे, क्या समझे, कॉमन एयर क्वेश्चन है, कॉमन एयर क्वेश्चन है, दीजिए आंसर क्या होगा, पचला। देखिए, नो पोर्टर बींग अवेलेबल, ही कैरिड ऑल हीज लगेजेस हिमसेल्फ। देखिए आप ध्यान से पढ़िएगा ना कॉमन एयर क्वेश्चन, तो पढ़ते मात्र पता चल जाएगा कहाँ मिस्टेक है, लेकिन स्लो स्लो में और आराम से समझते हुए पढ़िए तब। देखिए यहाँ पर मिस्टेक है, क्योंकि लगेज जो है अनकाउंटेबल नाउन है, लगेज है अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन का सिंगल से पूरा नहीं होता है, लगेज है अनकाउंटेबल नाउन
और लगेज और अनकंट्रोल का सिग्नल पूरा होता नहीं है। ए मैं लिखता हूँ यहाँ पर, ए लगेज क्या है, ए लगेज है अनकंटेबल नाउन, क्या है अनकंटेबल नाउन, और इसका सिग्नल पूरा होता नहीं है। तो आंसर क्या होगा आपका, सी होगा। मिस्टेक कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। बढ़ते आगे, फिर कॉमर है, दीजिए आंसर स्पीड में, हो गया। देखिए क्या है, द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस एंचेंटेड मी, कहाँ है प्रॉब्लम। देखिए प्रॉब्लम आपको यहाँ है, क्योंकि सराउंडिंग, देखिए एक होता है सराउंडिंग होता है, एक वर्ड होता है सराउंडिंग और एक वर्ड होता है सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स है ना। तो देखिए अंतर क्या है, ए आपको अगर एस लगा हो ना तो ए काम करता है नाउन का, ए क्या बनता है नाउन, अगर एस ने लगा होते होता है एडजेक्टिव, क्या होता है एडजेक्टिव। तो यहाँ पर देखिए हमें पता है कि ऑफ जब बीच में है तो ऑफ के दो तब क्या होता है नाउन होता है, ऑफ के दो तब क्या होता है नाउन होता है, तो ऑफ की इस साइड जो है नाउन है तो इधर भी नाउन आना चाहिए ना, इधर भी नाउन चाहिए। लास्ट में इस वर्ड में फुल है, जिस वर्ड में फुल लगा होता है क्या होता है एडजेक्टिव, तो ए एडजेक्टिव है और ई भी एडजेक्टिव है, तो यहाँ भी एडजेक्टिव यहाँ भी एडजेक्टिव, तो इधर नाउन हुआ का नाउन नहीं हुआ, इस कारण इससे मिस्टेक है। और यहाँ क्या नाउन वर्ड आना चाहिए, यानी होगा सराउंडिंग्स होगा, क्या होगा यहाँ होगा सराउंडिंग्स होगा, समझ गए। तो आप मिस्टेक आपका किस में है, बी में है, और सराउंडिंग्स वर्ड क्या है नाउन है, क्या है नाउन। इसमें बताइए आंसर क्या होगा, पता चल गया आप पढ़ते हैं। हाँ तो देखिए आप पेंसिल लगा लिए, आई लाइक द पोइट्रीज ऑफ ब्रायन एंसली, प्रॉब्लम यहाँ है, प्रॉब्लम यहाँ है। देखिए पोइट्री भी जो है POETRY, पोइट्री भी क्या अनकंटेबल नाउन है, पोइट्री भी अनकंटेबल नाउन है, और हम लोग पता है कि अनकंटेबल नाउन का सिग्नल से पूरा होता नहीं है, ये है आपको अनकंटेबल नाउन, अनकंटेबल नाउन होगा, समझ गए। और भी एक वर्ड, एक और वर्ड इससे पहले आया था लगेज, LUGAG है ना, ये भी क्या है अनकंटेबल नाउन, तो दोनों याद रखेंगे, ये दोनों का कभी सिग्नल से पूरा होता नहीं है। तो टिक लगा लिए, आंसर क्या होगा, बी होगा। और यहाँ क्या होना चाहिए आंसर, यहाँ लिखाना चाहिए पोइट्री, POETRY। आगे बढ़ते हैं, द मैनेजर पढ़िए आंसर दीजिए, पता चल गया, ध्यान से पढ़िए और आंसर दीजिए। देखिए अब मैं देता हूँ, द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ 24 क्रिटेरियंस फॉर द पोस्ट। देखिए यहाँ ए नंबर ऑफ है, तो हम लोग पता है कि ए नंबर ऑफ के बाद क्या आता है पूरा नाम आता है, ए हमें पता है कि ए नंबर ऑफ के बाद क्या आता है पूरा नाउन आता है, समझ गए। तो यहाँ पर क्रिटेरियंस, क्रिटेरियंस जो है वो पूरा नाउन नहीं है, पूरा नाउन नहीं है। देखिए एक होता है क्रिटेरिया, क्रिटेरियन, क्रिटेरियन ये हो गया सिंगुलर, क्रिटेरियन क्या हो गया सिंगुलर वर्ड हो गया, सिंगुलर नाउन हो गया, समझ गए। और इसका जब पूरा बना होता है, देखिए जिस वर्ड का अंत में आई ओ एन हो, क्या हो आई ओ एन, तो उसको बोलते सिंगुलर नाउन, क्या होते हैं सिंगुलर नाउन। इसका पूरा बना हो तो क्या करते हैं, CRITE और आर, ये आर का आर लिखेंगे और आई ओ एन है ना, इसको आई ए में चेंज करेंगे, ये आई ओ एन है इसको आई ए में चेंज, तो यहाँ क्रिटेरिया होना चाहिए, ये मिस्टेक है यहाँ पर, ये होना चाहिए क्रिटेरिया, CRATERIA है ना, क्योंकि क्रिटेरियन का प्लुरल क्या होता है,
प्लुरल होता है क्या, क्रिटेरिया होता है। बढ़े आगे, आंसर पता चल गया आपका, आंसर किसमें होगा, आंसर बी होगा। क्या होगा? बी। ए आज का लास्ट क्वेश्चन है ना, और लास्ट क्वेश्चन है तो लगाइए क्या होगा। और जो है जितने भी जुड़े हुए हैं वो जितना हो सके आपके ग्रुप में जितने भी है सबको जो है वीडियो शेयर कीजिए और कहिए कि ये क्लास देखने के लिए। यदि वह सिविल कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छे, बहुत अच्छा। अगर नहीं कर रहे हैं, किसी और चीज़ तैयारी कर रहे हैं, उसमें इंग्लिश पूछा जाता है, तो कहीं ये भी जो है क्लास देखने के लिए बहुत फायदा करेगा, है ना। ये जो है इंग्लिश यदि आप मेरे साथ जुड़ जाते हैं तो इंग्लिश का हलवा हलवा हो जाएगा, है ना। आप कंटिन्यू देखिए तो आप खुद पता चलेगा, बड़े मजा आएगा। क्या आंसर होगा? ही टेक्स पेन ओवर हिज वर्क। देखिए यहाँ पर ए आंसर क्या हो गया, पर ही टेक्स पेन ओवर हिज वर्क, ए फ्रेज ही है ना। ए टेक्स पेन ओवर हिज वर्क, ए फ्रेज है। और मैं चाहता हूँ कि ए जो है ए आंसर आप खुद दीजिए। आप लोग जो है ना, आप लोग यह आंसर खुद दीजिए। ए मैं होमवर्क होमवर्क रूप में छोड़ देता हूँ। इसका आंसर आप खुद कमेंट में बताइए कि आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। और बताइए, और फिर मैं नेक्स्ट कमेंट में ही या नेक्स्ट जब मैं मॉक टेस्ट कराऊंगा तो उसमें इसका आंसर बता दूंगा। पहले आप लोग इसका होमवर्क है, आप इसको कमेंट बताइए। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।